मधुबनी हालांकि प्रखंड के छोटगांव गांव स्थित बाबा फिलफिलिंग स्टेशन परिसर में प्रदूषण जांच केंद्र खोला गया, जिससे आसपास के लोगों को सहूलियत मिलेगी। इससे पहले लोगों को वाहनों के प्रदूषण जांच के लिए दूर शहरों में जाना पड़ता था। केंद्र के संचालक शुभम झा ने बताया कि दो पहिया वाहन व चार पहिया वाहन के अलावा सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच की जाती है। दो पहिया वाहन का प्रदूषण जांच में 15 से 30 सेकंड का समय लगता है, वहीं चार पहिया वाहन के प्रदूषण जांच में 5 मिनट तक का समय लगता है। उन्होंने कहा कि यह सर्विस बाबा फ्यूल फिलिंग स्टेशन पर प्रोपराइटर अनवर अंसारी के द्वारा प्रदान किया गया है। आरजी बिहार न्यूज के लिए हरलाखी से कृष्णा मंडल की रिपोर्ट। धन्यवाद। बताएंगे जांच करने के लिए हमारे पास मशीन है। कौन कौन सी मशीनें हैं जैसे दिखाएंगे? दो मशीनें हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जी जी बैठे रहिए। स्मोक मीटर, जी एक डीजल स्मोक मीटर है, और ये फायर गैस एनालाइजर है। जी ठीक है, इससे पेट्रोल की सारी गाड़ियों का हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, और ये डीजल स्मोक मीटर है, इससे हम लोग सारे डीजल गाड़ियों का पॉल्यूशन करते हैं। और बता रहे थे कि कुछ वेबसाइट पे भी इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं कोई, जैसे ये जितनी भी गाड़ियों का हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, ये अब सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। गवर्नमेंट यूजर आईडी पासवर्ड एक प्रोवाइड करवाती है, हमें लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, ऑथराइज मिलने के बाद हम ये कर सकते हैं। और उसके लिए वेबसाइट है मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट करके, वहां से हम लोग इसका पॉल्यूशन करते हैं।